अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिस्कवर पाकिस्तान के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान के साथ आपका होस्ट तारिक तवीर हाजिर है। नाज़रीन, आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि हम एक ज़री मुल्क होने के बावजूद आलू की बनी अशिया, इसका सीड, इसके फ्रेंच फ्राइज को दूसरे ममालिक से मंगाने के लिए कितना ज़र मुबादला इसके ऊपर खर्च करते हैं। पाकिस्तान में आलू की कौन सी वराइटीज़ काश्त हो रही हैं? आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स, जिससे हम जानेंगे कि हम पाकिस्तान में कौन सी आलू की वराइटीज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर यहाँ पे काश्त करके ना सिर्फ अपना कीमती ज़र मुबादला बचा सकते हैं, बल्कि इससे बेहतर पैदावार और मुनाफा हासिल करके अपने किसान को खुशहाल कर सकते हैं। आइए मेरे साथ। जी तो नाज़रीन, अभी हम पहुंच गए हैं फार्म पे, जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल मनान चौधरी साहब, जिससे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप सुनाएं, खैरियत से पहुंच गए? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे तो पहले डॉक्टर साहब हमारे नाज़रीन को अपना तारफ़ करा दें, हम कहाँ पर खड़े हैं, फिर इससे बाद हम आपसे आलू के बारे में फिर मालूम लेते हैं। जी, जिस तरह तारिक भाई ने बताया, जी डॉक्टर अब्दुल मनान मेरा नाम है और डॉक्टर फिलासफी है मेरी ज़राअत के अंदर। ये जहाँ पर आप खड़े हैं, ये कसूरी फार्म के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर हम बहुत मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, जिसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो सीड मल्टीप्लिकेशन और ब्रीडिंग पे हम फोकस कर रहे हैं। ये डासा बड़ा ज़रूरी भी है जी जी, कि हम पाकिस्तान में जितना हमारे ज़र मुबादला इस पर खर्च किया जा रहा है, कि हम इसकी सीड पे ऊपर काम करें और कुछ ऐसी वराइटीज़ यहाँ पे हम काश्त करें जो बेसिकली हमारी वैल्यू एडिशन के ऊपर यूज़ होती है इसके। तारिक भाई, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अगर हम आलू की बात करें ना, चूँकि ये आजकल आलू का हार्वेस्टिंग सीज़न चल रहा है, आलू की अगर हम बात करें तो हमारा तकरीबन मिलियन ऑफ डॉलर्स जो है ना, वो ज़र मुबादला एक्सपोर्ट की मद में हम लोगों को बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? इसलिए कि हमारा यहाँ पर लोकली सीड अवेलेबल नहीं है। अगर इस तरह का बीज या सीड हमारे पास अवेलेबल हो तो हम लोगों को अपना ज़र मुबादला देने की बजाय लें, और इससे हमारी इकॉनमी भी बूस्ट करेगी। तो डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइए कि ये जो हम इतना सीड बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में हम इसके ऊपर कितना काम कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँच चुके हैं सीड के प्रोडक्शन के हवाले से? तारिक भाई, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अभी उतने लेवल पे पोटैटो सीड प्रोडक्शन पे काम नहीं हुआ जितने लेवल पे होना चाहिए था। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों में शऊर आ रहा है, लोग सीड प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं, टिशू कल्चर कर रहे हैं लोग, अपना एरोपोनिक्स पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो आप जो जिस फार्म में हम खड़े हुए हैं ना, ये भी हमारा एक ब्रीडिंग का ही यूनिट है। ये प्रोडक्शन यूनिट है सीड के हवाले जी, ये प्रोडक्शन यूनिट है। अभी आपने जिससे आपने पहले बात की ना, पाकिस्तान के अंदर सीड में काम कितना हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अभी सिर्फ 25% काम हुआ है, बाकी अ लॉन्ग वे टू गो। तो कौन कौन से मेथड हैं जो सीड की प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान में अब अडॉप्ट किए जा रहे हैं इसके जो सीड प्रोडक्शन के? देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर जो इमीडिएटली हम कर सकते हैं वो तो टिशू कल्चर है ना। एक पोटैटो का टिशू कल्चर लेके आपसे लैब के अंदर ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद जाके आप फील्ड में लगा देते हैं, मिनी ट्यूबर्स को आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो बड़ा ईजी सा प्रोसेस है और पाकिस्तान में हो भी रहा, हम भी कर रहे हैं ये। और टिशू कल्चर जो है और बाकी एरोपोनिक्स का, और आपने जो वो बताया ना, जो जदीद मेथड जो अभी देखें, टिशू कल्चर है, टिशू कल्चर के बाद एरोपोनिक्स आ जाता है, हाइड्रोपोनिक्स आ जाता है, और हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक्स में से देखा जाए तो एरोपोनिक जो है ना वो टॉप ऑफ द लिस्ट। तो डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी वराइटीज़ हैं जो अभी पाकिस्तान में इम्पोर्ट हो रही हैं, जिसके लेवल की पाकिस्तान को अपने सीड के बनाने की जरूरत है, वो कौन सी ऐसी वराइटीज़ हैं? और स्पेशली मैं बात करूँगा जो हमारे नाज़रीन को हम बताना चाहते हैं कि जो वैल्यू एडिशन है, जैसे चिप्स है, फ्राइज है, और इसकी बाकी जो जो हमारी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट हैं, उसके लिए कौन सा आलू जो है ना उसकी वराइटीज? देखें, पाकिस्तान के अंदर फ्राइज़ में काम तो कर रहा है एक बहुत बड़ी कंपनी है जो पाकिस्तान के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर रही है। मेनली आप पोटैटो चिप्स के लिए आपको आलू की वो वराइटी चाहिए होती है जो लो और या लेस इन शुगर हो, जिसमें आपकी लेडी रोजीटा आ जाती है, क्रोजो आ जाती है, आपकी हरमस आ जाती है, वो कुछ लोग जो है ना वो सांते उसको भी चिप्स के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सारी वैरायटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। पेप्सी को एक बड़ा बहुत बड़ा नाम है जो फ्राइज़ में काम कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली वैरायटल डेवलपमेंट में उन्होंने भी काम नहीं किया अभी, मेरा ख्याल है, मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि पाकिस्तान के अंदर वो भी सीड इम्पोर्ट करके उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, उनके पास बहुत सारी इस तरह की वैरायटीज़ मौजूद हैं जो के फ्राइज़ में और हमारा जो टेबल पोटैटो जिसको हम अपनी हंडियों में यूज़ करते हैं उसके लिए बड़ा एक्सीलेंट हो सकता है। जैसे उनकी PRI रेड है, सदफ है और रूबी है, ये सारी वैरायटीज़ उन्होंने जो है फ्राइज़ के लिए बनाई है। फ्राइज़ के लिए भी बनाई हैं,
और दूसरा जो टेबल पोटेटो के लिए मल्टीपर्पज़ वराइटीज़ हैं। सर फिर अगर हमने ये सारी वरायटी पाकिस्तान बना चुके हैं जी, तो इवन ये कहाँ से बात है कि अभी भी हम आलू जो है बाहर से इम्पोर्ट? ये हमारा अलमिया है तारिक भाई के, जो हमारी लोकल चीज़ें होती हैं ना, एक तो हमें उनकी कदर नहीं होती और दूसरा ये कि हमारे फार्मर्स को उनकी अवेयरनेस नहीं होती। हमारा फार्मर आज भी सांते ग्रो करेगा, रूसी ग्रो करेगा, कार्डिनल ग्रो करेगा, इसमी ग्रो करेगा, अस्टेक्स ग्रो करेगा, लेडी रोजिटा ग्रो करेगा, भाई वो एक तो महंगी पड़ती हैं और दूसरा ये कि उनकी प्रोडक्शन उतनी नहीं हम ले सकते जितनी हम अपनी लोकल वैरायटीज़ की ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोकल जो हमारी वैरायटीज़ हैं वो हमारी ज़मीन के साथ ही मिलकर तो डेवलप हुई हैं। अब ये सारी बाहर से हॉलैंड से हम वैरायटीज़ इंपोर्ट करते हैं, हॉलैंड से वैरायटी पाकिस्तान में आती है, यहाँ पर हम लगाते हैं, ना तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन सीड होता है जिसकी वजह से हमारा यील्ड गैप आता है, और यील्ड गैप आएगा फार्मर कहता है जी हमें कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं। इंटरनेशनल जो पर एकड़ जो स्टैंडर्ड्स है इसका प्रोडक्शन का और हमारा जो आपके फार्म का यहाँ के जो पर एकड़ जो हम यील्ड ले रहे हैं, कितना डिफरेंस है ये? तारिक भाई अगर आपको मैं इस तरफ लेके जाऊँ ना, तो ये देखें, ये हमारा एक सीड ब्रीडिंग यूनिट है। ओके, ठीक है, ये हम बेसिकली ये जो आलू है ना ये हम सीड के लिए इस्तेमाल करेंगे, अगले साल इसको सीड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो जब हमने हॉलैंड से इंपोर्ट किया था ना, तो ये 6 साल का सीड हमारे पास आया था, 6th generation सीड था। 6th generation सीड था। आपको पता है कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती हैं उसका यील्ड पोटेंशियल कम होता जाता है, ठीक है। अब अगर हमारे पास लोकल वैरायटी है, फर्स्ट जनरेशन का सीड होगा, तो उसकी प्रोडक्शन मैं तो समझता हूँ इसकी अगर हम 100 बोरी ले रहे हैं तो उसकी ऑब्वियसली हम 150 से 180 बोरियां लेंगे। अभी आप ले रहे हैं यहाँ पे 100 बैग्स पर एकड़। तो दुनिया के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है? वो देखें जी, हॉलैंड वाले तो क्लेम करते हैं 150 बैग्स प्लस। और डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो सीड की जो वैरायटीज होती है हमारी वो कितना डिपेंड करती है इसकी प्रोडक्शन के ऊपर? देखें जी, असल तो सीड ही है जो इसकी प्रोडक्शन को डिटरमिन करता है। एक अच्छा सीड है प्रोडक्शन अच्छी है, एक कमज़ोर सीड है प्रोडक्शन कम है। इसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। अब जिस तरह मैंने बताया कि ये हमारा सीड ब्रीडिंग यूनिट है, ये सीड मल्टीप्लिकेशन यूनिट है, तो हमारा जो पहले साल का सीड हम जो हॉलैंड से इंपोर्ट करते हैं ना, उसका बैग हम 120-125 बैग हार्वेस्ट करते हैं। जैसे जैसे उसके ईयर्स पुराने होते जाते हैं तो हम जो है ना उसकी प्रोडक्शन भी कम लेते जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर हॉलैंड का जो सीड आता है हम उसे पहले साल का कंसिडर करते हैं, लेकिन हॉलैंड वाला अपना 6th साल का सीड हमें भेजते हैं। बिल्कुल ठीक है, मतलब वो पहला फर्स्ट जनरेशन सीड हमें नहीं, नहीं, नहीं देते। वो नहीं देते। तो फर्स्ट जनरेशन सीड के लिए जैसे अभी आपने बताया कि पाकिस्तान में NARC और बाकी इदारों ने काम शुरू कर दिया, उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मिलकर काम कर रहे हैं, सीड ब्रीडिंग पे भी काम कर रहे हैं, सीड टिश्यू कल्चर पे भी काम कर रहे हैं, और इस फार्म पे हमने चाइनीज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जिसमें इंशाल्लाह बहुत होपफुल हैं कि इसी साल के अंदर अंदर हम एक पाकिस्तान की स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना टिश्यू कल्चर लैब और पोटेटो सीड ब्रीडिंग यूनिट डेवलप कर लेंगे। डॉक्टर साहब एक बात बड़ी जो हमें ज़रूरी है, यहाँ पे हमने जो देखा कि पाकिस्तान से हम जो इसका फ्रेंच फ्राइज है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बताइए कि कितना पैसा हम इसके ऊपर लगाते हैं और हम इसको किस तरह जो है ना आप देख रहे हैं कि हमारी इंपोर्ट जो है उसको किस तरह आप देख रहे हैं कि कितना पैसा इसके ऊपर लगा? तारिक भाई ये बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया है और इसका मैं जवाब भी आपको देना चाहूँगा, और बड़ा इंटरेस्टिंग इसका आंसर है। कैसे? हमारे पास वैल्यू एडिशन में बहुत गैप है, हम लोग अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन नहीं करते। अब होता क्या है, पाकिस्तान जिस तरह मैंने पहले बात की ना, तीन जो हमारी वाइट वैरायटीज़ हैं यहाँ पे ग्रो होती हैं, अच्छी क्वालिटी का आलू पाकिस्तान से हम बाहर भेज देते हैं जिसे हम एक्सपोर्ट कह देते हैं, वो लोग क्या करते हैं हमारा आलू काटते हैं, अच्छा रीपैक करते हैं, हमें भेज देते हैं। अच्छा, जो आलू हमसे ही लेते हैं उसमें ही वैल्यू ऐड करके हमें भेज देते हैं, और ये जो वैल्यू एडिशन का प्रोपोर्शन है तकरीबन 80% हमारा आलू इस्तेमाल होता है। 40,000 टन आलू जो है ना जी वैल्यू एडिशन में जो है ना वो इस्तेमाल होता है। लेकिन जो कि सिर्फ टोटल प्रोडक्शन का 1% है। अब ये देखें, पाकिस्तान के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक ये तकरीबन 5,000 metric tons हम पोटेटो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लाहौर से अगर आप निकलें, उकाड़ा, दीपालपुर, साहिवाल, ये सारा एरिया आलू से भरा पड़ा है, और यकीन करें मिलियन ऑफ मैट्रिक टन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम इस्तेमाल क्या है हमारा, सिंपली मंडियों में जाते हैं, हम वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं जाते। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सीड रिक्वायरमेंट है 4,15,000 metric tons है, जिसमें से हमें फ्रेश सीड सिर्फ और सिर्फ 13,400 metric tons अवेलेबल होता है। डॉक्टर साहब आप देखें जिस दौर में अभी जा रहे हैं, हमें एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है, हमारे बच्चे जो नौकरियों के लिए भाग रहे हैं। बिल्कुल सही है। आप बता रहे हैं कि इस फील्ड में इतना गैप मौजूद है कि इसमें इतना काम किया जा सकता है, शायद हमारे बच्चे कम होंगे और इसमें आइडियाज जो है एंटरप्रेन्योरशिप के ज्यादा होंगे। हम आलू की डिशें बनाते कितने हैं? फ्राइज के लिए आलू के परौठे बना लो, आलू गोश्त पका लो,
आलू दी टिक्कियाँ बना लो, ये हम करते हैं। हम तो इसकी वैल्यू एडिशन या इसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नहीं जाते, हमारे पास यूनिट्स नहीं है जो इसका स्टार्च एक्सट्रैक्ट कर सकें। आप यकीन करें, मेरे बहुत सारे जानने वाले जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर हम मिलकर एक स्टार्च एक्सट्रैक्शन यूनिट लगाते हैं। बिल्कुल, हम इसको आलू डिहाइड्रेटेड पोटैटो नहीं करते, फ्लोर बनाया जा सकता है, नहीं करते। तो ये अभी सारी चीज़ें हम बाहर से ला रहे हैं। तो सर ये गैप तो है नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है और कितना गैप इसके अंदर मौजूद है। अभी हमें लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कितनी पैसा जो है हम इसकी इंपोर्ट में लगाते हैं और पाकिस्तान में किस तरह की वैल्यूडेशन वे हम करके अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ले जा सकते हैं। वहाँ से दो बंदे ग्रेडर के अंदर बोरियाँ जो वो पलट देते हैं, रोलर लगे होते हैं, वहाँ से आलू होते होते यहाँ पे आ जाते हैं। तीन किस्म के आलू होते हैं, राशन, गोली और बीज। ये पहले नंबर पे आपको जो सबसे छोटे किस्म का साइज का आलू है ना, ये अलहदा हो जाता है। नाज़रीन अभी हम पहुंच गए हैं पोटैटो जो ग्रेडिंग यूनिट के ऊपर, यहाँ पे हमने आपको दिखाया गया जो खेत में आलू पैदा होता है किस तरह बोरी में भरा जाता है और उसको उसके बाद में ग्रेडिंग यूनिट पे लाया जाता है। तो अभी हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि ये ग्रेडिंग यूनिट कितना ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं और इसके बाद के प्रोसेस क्या होते हैं। ये तो डॉक्टर साहब बताइए हमें, हमारे नाज़रीन को, ये जो ग्रेडिंग है क्यों ज़रूरी है, इसमें आप क्या क्या प्रोसेस करते हैं? तारिक भाई, ग्रेडिंग इसलिए भी ज़रूरी है, जब आलू को हम ज़मीन से निकालते हैं तो वो मुख्तलिफ साइज़ में होता है। यहाँ पे हम हर आलू की साइज़ को मुख्तलिफ कर लेते हैं। इसका मैं अगर आपको प्रोसीजर बताऊँ, वहाँ से दो बंदे ग्रेडर के अंदर बोरियाँ जो वो पलट देते हैं, रोलर लगे होते हैं, वहाँ से आलू होते होते यहाँ पे आ जाते हैं। तीन किस्म के आलू होते हैं, राशन, गोली और बीज। ये पहले नंबर पे आपको जो सबसे छोटे किस्म का साइज़ का आलू है ना, ये अलहदा हो जाता है, इसका रेशो बहुत कम होता है। उससे अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो ये जो होता है सीड, ये इसको हम अलहदा कर लेते हैं, जिसको हम सीड पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद दफ़ा ये जो हमारे छोटे रेस्टोरेंट्स वाले लोग हैं वो भी ले जाते हैं। ये कौन सी वैरायटी है जो यहाँ पे अभी प्रोसेस हो रही है? ये है जी सांते, सांते वाइट वैरायटी है, ठीक है। और आगे जब आप थोड़ा सा जाते हैं ना तो वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे रोलर लगे हुए हैं और ब्रश लगे हुए हैं, जो आलू के साथ थोड़ी बहुत मिट्टी रह जाती है उसको हम यहाँ पे ला के जो है ना वो साफ कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे बंदे बैठे हैं, ये छह बंदे बैठे हैं, कोई ना खुदा ना खास अगर कोई आलू खराब है तो इनकी ड्यूटी है कि इन्होंने उसको साइड पे कर देना, जिस तरह आप ये नजर आ रहे हैं। अब ये जो है उसमें ये कटा हुआ आलू है या कोई डैमेज है, जिस तरह का भी आलू वो इधर आ जाना है, ठीक है। ये जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो रहे हैं इसके सारे, वो सारी चीजें आप यहाँ पे हम मिनिमाइज कर देते हैं। और ये एक ग्रेड का आलू जो है ना वो एंड पे आ जाता है। फार्मर को क्या मशवरा देते हैं ब्रांडिंग के हवाले से, क्या समझते हैं फार्मर को, ये कितना जरूरी है? जिस तरह ये बहुत जरूरी है तारिक भाई, देखें हमारा जो फार्मर है ना उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं आता, उससे सारा कुछ मिडिल मैन ले जाता है। हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि मिडिल मैन के रोल को मिनिमाइज कर दें, डायरेक्ट फ्रॉम द फार्मर डायरेक्ट टू द कंज्यूमर। यहाँ पे क्या हमारा मार्जिन भी बढ़ जाता है और जो एंड कंज्यूमर है उसको भी ये जो चीज़ें हैं ना ये चीपर रेट्स पे अवेलेबल होती हैं। तो मैं फार्मर को यही सजेस्ट करूँगा कि भाई आप अपनी प्रोड्यूस बनाएं, अपना ब्रांड बनाएं, ब्रांड बना के मार्केट में लॉन्च करें, बजाय इसके कि आपकी जो अर्निंग है वो मिडिल मैन ले जाए, आप खुद लें। ये तो फार्मर के लिए बड़ा अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है कि उसको अपने ब्रांड के साथ करें। और एक और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा कि ये हम आलू में जितनी अर्निंग करते हैं वो ट्रेडिंग से करते हैं। तो डॉक्टर साहब ये फिर यहाँ पे जब आपका ये पोटैटो यहाँ पे आप इसको पैक कर लेते हैं तो उसके बाद अगला क्या फर्दर इसका प्रोसेस होता है? अगला हम इसे स्टोर में कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, ठीक है। दो किस्म के कमरे हमारे पास होते हैं, बिल्कुल ठीक। एक होता है ठंडा और एक होता है गर्म, बिल्कुल ठीक। अब एक में हम एंटी स्प्राउटिंग स्प्रे कर देते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि जो स्टार्च है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता, बिल्कुल ठीक। तो इस तरह हमारे जो आलू की शेल्फ लाइफ है ना वो 2-3 महीने से बढ़ के 7-8 महीने तक चली जाती है। आलू हम मार्केट में दिसंबर तक यहाँ से अपने स्टोर से सेल, आप अपने ब्रांड के साथ अपने नाम के साथ सेल करते रहते हैं। जी जी। तो मेरा ख्याल है कि हम वो आपका जो कोल्ड स्टोरेज है वो भी देख लेते हैं। मीनवाइल हम आपसे बात करते जाएंगे कि ये जो अभी जो इसकी बायोग्राफी है, जो इसके आलू को ग्रो करने के जो मुख्तलिफ तरीके हैं,
इसकी एग्रोनॉमी पे भी थोड़ा सा हम बताएं, कितने कीड़े हैं, कितनी बीमारियां हैं, दो बीमारियां मेन है, लेट ब्लाइट अर्ली ब्लाइट, दो इस पे कीड़े हैं, बीटल्स आ जाती हैं और जो तेला जिसे हम इफेक्ट कहते हैं उसका अटैक है, दो बीमारियां मेन हैं जो इसको इफेक्ट करती हैं, लेट और अर्ली ब्लाइट। बिल्कुल ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा आपने अपने फार्मर को बताया। आप अभी यहाँ बता दीजिएगा ये कौन कौन सी वरायटियाँ अभी आपने लगाई हुई हैं। ये हमारी लाल वरायटी है, मैस्ट्रेक्स कहते हैं, ठीक है, ये हमारी वाइट वरायटी है, इसी तरह हमारी दो तीन जो फार्म पे हार्वेस्ट आज हो रहा था वो रूसी वरायटी थी। बिल्कुल ठीक, इस तरह हमारी डिफरेंट वरायटीज हैं, कुछ हमारे फार्म से आते हैं यहाँ पे सॉर्टिंग करके हम उसे कोल्ड स्टोर में ले जाते। मेरा ख्याल है कि हम कोल्ड स्टोर भी दिखाते हैं। तो डॉक्टर साहब आप हमें बताएं कि अभी जो यहाँ पे आलू आपने स्टोर किया हुआ है इसमें कौन कौन सी वैरायटी आपने स्टोर की और ये कब तक यहाँ पे स्टोर रह सकता है? यहाँ पे टेबल पोटैटो भी है, फ्रेंच फ्राइज वाला पोटैटो भी है और जूस सीड पोटैटो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मतलब ये यहाँ पे आपने फ्रेंच फ्राइज वाला पोटैटो स्टोर किया, तो ये दिखाएं कि कौन सा फ्रेंच फ्राइज। ये जी हर्मस एक वैरायटी है, ये उसका आलू है जी, ये मैं फ्रेंच फ्राइज के लिए और चिप्स के लिए बेहतरीन है ये बेहतरीन। तो डॉक्टर साहब क्या जो हमारे जो इम्पोर्टर्स हैं क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं तो क्या मैं आपके चैनल के तवस्त से ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग हमारी जितनी बड़ी बड़ी चेन्स हैं, हार्डीज है, मैकडॉनल्ड है, जोनी एंड जुगनू है, जहाँ पे आलू या फ्रेंच फ्राइज इस्तेमाल हो रहा है ना, आप आएँ हमारे फार्म पे, आएँ हमारे कोल्ड स्टोर को देखें, अपनी रिक्वायरमेंट बताएं और अपनी पसंद का अपनी रिक्वायरमेंट का आलू हमसे ले लें। दो फायदे हैं, एक तो ये कि हमारी लोकल प्रोडक्ट जो है ना वो प्रमोट होगी और हाँ। दूसरा ये कि हम बात जो करते हैं ना आपका 50-60% जो ना रेवेन्यू बच जाएगा जो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इंडस्ट्री यहाँ पे लगेगी और ये सारी हमारे कंट्री की अल्टीमेट प्रमोशन। तो हमारा इसी के ऊपर फोकस है ना, हम अपना ज़र मुबादला कैसे बचा सकते, यही मसला। बात यह कि हम अपने रिसोर्सेज पे कॉन्फिडेंट ही नहीं है, जबकि इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर में, पोटैटो में, राइस में, वीट में, लेकिन हम कॉन्फिडेंट ही नहीं है। डॉक्टर साहब ये सिर्फ बताइए कि देखिए एनर्जी का क्राइसिस है यहाँ पे और आपने अभी दिखाया जैसे आप इसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं, कोल्ड स्टोर बना हुआ, तो एनर्जी को कैसे देखिए? ये हमारा सारा सोलराइज्ड है। ओके, सोलराइज्ड के साथ हमारा नेट मीटर्ड है, बिल्कुल सोलर एनर्जी को। अच्छा, आपका ये पूरा सिस्टम सोलर के ऊपर? सोलर के ऊपर। तो ये किस तरह बाकी लोग सोलर पे किस तरह देखें जी, बात यह रिसोर्सेज की बात आ जाती है, गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जितनी हमारी एग्रिक इंडस्ट्री है ना उसको सोलर पे करने के लिए सब्सिडी दें और बैंक्स लोन दे रहे हैं लेकिन उस पे मिनिमम आप जो है ना वो रखें इंटरेस्ट, अपनी फार्मिंग को एक इस तरह का ऑक्यूपेशन समझें कि इससे बेस्ट दुनिया में नहीं है, पाकिस्तान से अच्छी ज़मीन दुनिया में नहीं है, पाकिस्तान जैसे वाटर रिसोर्सेज पूरी दुनिया में नहीं, मतलब लेकिन हमारे मुल्क जितनी एग्रीकल्चर कहीं पर नहीं, हमें एग्रीकल्चर यूथ के लिए बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। सर ये पोटैटो इंडस्ट्री में ही आप अगर लग जाना तो 50 किस्म की एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्टअप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब इसके सीड के बारे में बताएं कि हम जो सीड है इसको किस तरह सेव करेंगे और सीड जो है इसको अगले सालों के लिए जो हम रखते हैं उसके क्या क्या प्रोसीजर हैं और हम फार्मर को किस तरह आप सीड के हवाले से किस तरह सीड देखें? मैं फार्मर को सीड के हवाले से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप अपना सीड प्रोड्यूस करें। पाकिस्तान के अंदर जो पोटैटो का सीड आ रहा है वो 6 या 7 जनरेशन का सीड आता है, हमें यहाँ पे लोकली फर्स्ट जनरेशन का सीड हमारे पास लोकली अवेलेबल है, वी शुड प्रमोट आर ओन सीड। तो ये जो हमारे पास ये है ना ग्रीन जालियाँ, इसमें हमने सारा पोटैटो सीड स्टोर किया हुआ है, ये हम यहाँ पर रखते हैं, अपने लिए भी यूज़ करते हैं और जो फार्मर्स होते हैं हम नो प्रॉफिट नो लॉस की बेस पे फार्मिंग कम्युनिटी को सीड अपना सेल करते हैं। तो आप सीड भी बेसिकली यहाँ से अभी तक मैंने बताया, हमारा इस दफा इस साल से हमारा मेन फोकस है वो सीड मल्टीप्लीकेशन, सीड ब्रीडिंग और सीड सेल पे हमारा। बिल्कुल ठीक, अब सीड की जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं वो क्या क्या इन्वॉल्व हैं, हम किस तरह समझते हैं क्या, वो बताइए ताकि अगर और बंदा अगर सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आना चाह रहा है वो किस तरह आ सकता है? तारिक भाई यहाँ पे ये इशू है कि हमारा फार्मर जो है ना वो इनोवेशन की तरफ जाता नहीं है, ठीक है, हमारी फार्मिंग कम्युनिटी जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली इलिटरेट है या लैगर्ड्स में हमारा शुमार होता है, हमें चाहिए कि खुद अपना टिश्यू कल्चरिंग का प्रोसेस हम को इनिशिएट करें। उसके अलावा ये जो हम हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक की सुबह बात कर रहे थे, गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट फार्मर्स के साथ स्टैंड करके फिर हमें मोटिवेट करे या हमें जो है ना उसको सब्सिडाइज करे कि लोकली सीड को हम प्रमोट कर सकें, लोकली सीड को सेल कर सकें। जैसे आप यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, आई नो आप यंगस्टर्स को एंटरप्रेन्योर बनने का मशवरा देते हैं, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्त से हमारे यंगस्टर्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई
पोटैटो सीड की तरफ आ जाएं, पोटैटो सीड प्रोडक्शन की तरफ आ जाएं, पोटैटो सीड टिशू कल्चर की तरफ आ जाएं, इस जैसा बिजनेस दुनिया में नहीं है। ऐसा ये इकोनॉमिक्स में बताया ना, एक एकड़ अगर आप पोटैटो लगाते हैं खाने के लिए जी, और एक एकड़ आप पोटैटो लगाते हैं सीड के लिए, तो दोनों में कितनी, मैं बता देता हूं, एक एकड़ अगर आप पोटैटो लगाते हैं तो वहाँ हमें 35,000 एकड़ का बचता है, अगर आप सीड के लिए लगाते हैं तो हमें 3,50,000 बचता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये कई टाइम्स ज्यादा, ये तकरीबन 5-7 टाइम्स ज्यादा है सीड जो है। लोग सीड पे क्यों जाए, हॉलैंड क्यों नहीं प्रोड्यूस करता बड़ा सीड की, मैं बार बार हॉलैंड या नीदरलैंड का नाम क्यों ले रहा हूँ भाई, हमें उसको कम्पीट करना चाहिए रिसोर्सेज में या ब्रेन्स में, हम उससे कम नहीं है। हमारे जो, मैं यूथ को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एग्रीकल्चर की तरफ आप आएँ, एग्रीकल्चर को ऑक्यूपेशन आप बनाएँ, फार्मिंग को अपना ऑक्यूपेशन आप बनाएँ। हम लोग एग्रीकल्चर को जस्ट एक सी ग्रेड आप एक्टिविटी कह लें कि वो समझते हैं, एग्रीकल्चर इस तरह का बिजनेस नहीं है। दुनिया डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है, दुनिया मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, दुनिया जो है ना इसमें हम दुनिया सेटेलाइट इमेजरी को यूज़ कर रही है अपने फार्मर्स के फार्मिंग के लिए। हम क्या कर रहे हैं, चंद एक फार्म को निकाल के पाकिस्तान को, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सोए हमारा आज से 10 साल पुराना जो सिस्टम चलता आ रहा है, हम वही उसको लेकर चल रहे हैं। नए सीड की तरफ हम फोकस नहीं कर रहे, हम यूरिया DAP उसको हम अल्टरनेट जो फर्टिलाइजर सोर्सेज, हम उसकी तरफ नहीं जाते, हम कंपोस्टिंग की तरफ नहीं जाते, हम वर्मी कंपोस्ट की तरफ नहीं जा रहे, हम जो है ना वो पोल्ट्री वेस्ट को एज फर्टिलाइजर नहीं इस्तेमाल करते, क्यों नहीं करते हैं? तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने पोल्ट्री फार्म की बात की है, इसको कंपोस्ट की बात की है जी, तो ऑर्गेनिक जो आलू है इसकी प्रोडक्शन पे आप क्या समझते हैं कि ये कितना वायबल है? मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊँ, ये जो आपके हाथ में आलू है ना, प्योरली ऑर्गेनिक आप नहीं कह सकते, ठीक है, पार्शली ऑर्गेनिक कह सकते हैं। तो ऑर्गेनिक का और हमारे इन ऑर्गेनिक दोनों का पोटैटो की जो इसकी क्या फर्क है, इसकी इकोनॉमिक्स में क्या समझते हैं? इकोनॉमिक्स में देखें, ऑर्गेनिक में आपको प्रोडक्शन थोड़ी सी कम मिलेगी इनिशियली, विद द पैसेज ऑफ प्राइस ज्यादा मिलेगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपकी जमीन वो उस लेवल पे चली जाएगी तो फिर प्रोडक्शन भी पूरी हो जाएगी और आपको प्राइस भी मिलेगी। ऐसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझूंगा कि हमारे नाज़रीन को पता चलना बड़ा जरूरी है, हमने पोटैटो हमेशा खाने के लिए यूज़ किया जी, इसकी इंडस्ट्रियल यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, इसकी स्टार्च को और बाकी चीज़ों को देखें तो क्या समझते हैं कि जो इसका पोटैटो का इंडस्ट्रियल यूजेज क्या है, इसकी कौन सी है ऐसी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट है जिसको हम अपने बताएं कि इसके ऊपर काम होना पड़ा? पाकिस्तान के अंदर डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स पे काम हो गया शुरू, ठीक है, हम इस आलू पे क्यों नहीं कर सकते? इसके अंदर स्टार्च है, उसको हम एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं करते? ये जो बाहर आप हमारा वेस्टेज देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अपना स्टार्च एक्सट्रैक्शन यूनिट यहाँ पे लगा लें। जब आलू हमारा मीठा हो जाता है, स्टार्च जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम ग्लूकोज क्यों नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते? हम शुगर केन से शुगर ले रहे हैं भाई, ये भी ग्लूकोज, ये भी शुगर का सोर्स है, ये पूरा मतलब इसके पूरी इंडस्ट्री है। तीन इंडस्ट्रीज हम देख लेते हैं ना जी, चिप्स इंडस्ट्री, ठीक है, स्टार्च इंडस्ट्री, ये तो बड़ी कॉमन है, शुगर इंडस्ट्री, डिहाइड्रेटेड पोटैटो, वही बात है ना जो हमारी नैपकिन है उसके अंदर इसका पेस्ट यूज हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी चीजें इंडस्ट्री है, आप साइकिलों की दुकान पे चले जाएं, उसका जो पंक्चर लगाने वाला है, पंक्चरों की भी इंडस्ट्री है। मोबाइल में चले जाएं, मोबाइल के चार्जर्स हैं या हैंड्स फ्री हैं, उसकी भी इंडस्ट्री है। और भाई एग्रीकल्चर भी एक इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट शुड टेक इट एज एन इंडस्ट्री, अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट टेकिंग इट, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तान में इसकी जो वैल्यू एडिशन की इंडस्ट्री को प्रमोट करके इसकी जो इकोनॉमिक्स है उसको बहुत ऊपर ले जा सकते हैं, असल मसला प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। असल मसला वैल्यू एडिशन है, जो फील्ड में मेरा पोटैटो था, अगर मैं वहां पे 120 किलो की बोरी सेल करूं तो 4,000 की होनी है, प्रोसेस होके यहां पे आ गया 120 किलो, मैं यहां पे आलू 7,000 के सेल करूंगा, मतलब सर एक वैल्यू ऐड करने से ये 3 टाइम ज्यादा वो उसकी जो आपने रेवेन्यू बढ़ा दिया। तो अगर हम इसकी अदर वैल्यू एडिशन पे जाएंगे तो कितना हम कितना? ये पूरी इंडस्ट्री है, आलू बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसे इंडस्ट्री समझें और इंडस्ट्री समझ के ट्रीट करें। थैंक यू वेरी वेरी डासा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा टाइम दिया हमें, होस्ट किया अपने फार्म को, और ये आपने हमें फील्ड से लेकर डाइनिंग टेबल तक का पूरा प्रोसेस दिखाया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार सोना उगलती और ज़खीरे ज़मीनों से नवाजा है। आलू वो वाहद फसल है जो साले समुंदर से लेकर पहाड़ की चोटियों तक पूरा साल काश्त किया जाता है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम आलू की फसल को जदीद पैमानों पर काश्त करके इसकी एक्सपोर्ट से अपने ज़रे मुबादला के वसाइल में बेपनाह इजाफा कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से जो मालूमात हासिल की गई हैं वो यकीनन आपके लिए सूदमंद साबित हुई होंगी। उम्मीद है कि हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान ऑन योर डिस्कवर पाकिस्तान।